लोगों की खातिर खुदा को नाराज ना करो। इमाम हुसैन अलैही सलाम फरमाते हैं, वो कौम हरगिज़ फला नहीं पाएगी जो मखलूक की खातिर खालिक को नाराज कर दे। दुनिया में कुछ अफराद ऐसे भी हैं जिसका मकसद लोगों की खुशनूदी हासिल करना है, चाहे लोगों को राजी करने के चक्कर में अल्लाह उनसे नाराज ही क्यों ना हो जाए। ऐसे अफराद को दुनिया परस्त और मादी परस्त कहा जाता है, जो खास अफराद की खुशनूदी के लिए और अपनी दुनिया को आबाद करने की खातिर अपनी आखिरत को बर्बाद और वीरान कर लेते। ये वही लोग हैं जो फला नहीं पाते और कियामत में उनका ठिकाना जहन्नम होता है। लेकिन नेक और मोमिन अफराद का असली मकसद अल्लाह को राजी करना होता है और वो अल्लाह की खुशनूदी के लिए दिन व रात नेक काम अंजाम देते हैं, चाहे इसरा में लोग उनसे नाराज ही क्यों ना हो जाए। लिहाजा इंसान को किसी चापलूसी या थोड़े बहुत माल व दौलत की खातिर अपने रब और खालिक को नाराज नहीं करना चाहिए, इसलिए कि जिसके साथ अल्लाह होता वही फलायाफ्ता होता है, चाहे पूरी दुनिया इससे नाराज ही क्यों ना हो जाए।